हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिना कड़वाहट के आज करेले की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों 100% गारंटी है कि इसमें कतई कड़वाहट नहीं होगी। आपके घर में जो लोग इस वजह से नहीं खाते हैं कि करेले में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कड़वाहट रह जाती है और वो टेस्टी नहीं लगते हैं, तो ज़रूर आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले तो 300 ग्राम के लगभग मैंने करेले ले लिए हैं। करेले जब भी आप थोड़े से मीडियम साइज़ वाले लें, ज़्यादा छोटे लेंगे तो भी उसमें एक अजीब सी कड़वाहट होती है, ज़्यादा बड़े लेंगे तो उसका जो बाहर का जो गुदा होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और वो बीज होते हैं, और अगर आप बीज निकाल देते हैं तो फिर करेले का जो टेस्ट है वो नहीं आता सही से। तो कुछ इस तरीके से आपको छीलना है। इसका जो ऊपर का छिलका है बहुत ज़्यादा भी नहीं छीलना है और बहुत कम भी नहीं छीलना है। अब आप इसे छील करके धो सकते हैं, काटने के बाद भी धो सकते हैं। आपको मैं काट कर बता देती हूँ कि इसको काफ़ी पतला पतला श्रेड करना है। वैसे सिंपल तो आप नॉर्मल जो काटते हैं वो इस तरीके से काटते होंगे कि ऐसे बस चार चार टुकड़े, आप आठ आठ टुकड़े कर लेते हैं, लेकिन आज मैं जो ये करेले काटने जा रही हूँ मैंने बहुत ही पतले काटे हुए हैं। तो मैंने 5-6 करेले में कम से कम 4 प्याज ली है। अब लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे दोस्तों इसे। तो कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा ली है। इसमें डाल दिया है 1 छोटी चम्मच मेथी और आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, और डालूंगी यहाँ पर मैं थोड़ी सी सौंफ, यानी सौंफ सबसे ज़्यादा रहेगी यहाँ पर, सौंफ रहेगी 2 चम्मच के लगभग। अब इन सारे मसालों को हमें धीमी आंच पर रोस्ट करना है। ये जो मसाला होगा ये हमारे करेले को इतनी बढ़िया खुशबू देगा और इतना अच्छा टेस्ट देगा कि किसी को पता नहीं चल पाएगा कि ये करेले हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाले हैं। बस आप इन्हें अरहर की जो यानी तुअर दाल होती है, पीली दाल होती है, उसके साथ में सर्व कीजिएगा, या फिर आप चाहे तो ऐसे भी इसे रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं। मसाला हमारा भुन गया है, प्लेट पे निकाल लेंगे, गरम गरम ही इसे हम पीस लेंगे, दरदरा पाउडर बना लेंगे। आप डाल देंगे इसमें हम सरसों का तेल। तो करेले को पकाने में पानी का इस्तेमाल तो होता नहीं है क्योंकि फिर उसमें से बहुत ही वो अच्छे से भुन नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चमचा तेल लिया हुआ है। अब इसमें डालेंगे पतला और लंबा कटा हुआ प्याज। सबसे पहले प्याज डालेंगे और प्याज को हम थोड़ा सा पकाएंगे यहाँ पर, क्योंकि प्याज जब कच्चा रहता है तो फिर करेले भी कच्चे, प्याज भी कच्चा, जब दोनों मिक्स होते हैं तो तेल सोख कर लेते हैं और इन्हें पकने के लिए जगह नहीं मिलती है, यानी कि तेल उसमें सही से दिखता नहीं है, तो फिर ये पानी छोड़ने लगते हैं और जो करेले और प्याज हैं उसमें से बहुत ही अच्छी सी जो एक खुशबू आती है ना कैरेमलाइज वाली, वो नहीं आ पाती है। तो जब प्याज हमारा हल्का ब्राउन होने लगा था तब हमने इसमें एकदम पतले चिप्स जैसे करेले मैंने काटे हुए हैं, जिससे कि इन्हें ज़्यादा देर तक पकाना ना पड़े, साथ ही साथ करेले का आपको टेस्ट भी मिले, मुंह में जब आए तो कड़वा ना लगे। तो बस देखिए अब हमें धीमी आंच में इन्हें इस तरीके से पकाना है। आप चाहे तो तेल इसमें और डाल सकते हैं, पकाने में आपको सुविधा होगी, ये ज़्यादा क्रंची बनेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे हम नमक। तो ध्यान दीजिएगा प्याज और करेले दोनों ही पकने के बाद इनकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो जाएगी, तो जो नमक है वो कम ही डालिएगा। एक तो करेले ऊपर से इसमें नमक ज़्यादा हो गया तो कड़वापन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सब्ज़ी आपकी बेकार हो जाएगी। तो बस अब धीमी आँच में कवर करके हम पकाएँगे। करेले जब भी पकाएँ, चाहे भरवा हो या काट कर बनाएं, उसे धीमी आँच में ही पकाएं, अदरवाइज़ करेले एकदम बेकार हो जाएंगे आपके। आराम से बनाएं, टाइम थोड़ा सा लगता है इसे बनाने में, आधा घंटा लग सकता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन करेले बन के तैयार होंगे। अब देखिए जो प्याज है हमारी कितनी बढ़िया तरीके से कैरमलाइज हो चुकी है, और ये जो प्याज जब कैरमलाइज होती है तो इसमें एक अलग सा मीठापन आता है जो करेले की कड़वाहट को बैलेंस करता है। अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 चुटकी के बराबर इसमें धनिया हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और 1 चम्मच भर करके डालेंगे आमचूर का पाउडर। और इसके बाद में हम डालेंगे जो हमने मसाला पीस करके रखा हुआ था वो सारा ही डाल देंगे। अगर आपसे ज़्यादा बन गया है तो आप उसे थोड़ा बचा सकते हैं। डालेंगे इसमें 2 चम्मच बारीक किया हुआ गुड़, यानी कि जैगरी। गुड़ नहीं है तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं। आमचूर पाउडर नहीं है तो इमली का गूदा डाल सकते हैं, पेस्ट डाल सकते हैं, वो नहीं है तो आम का सीजन है इस समय, कच्चे आम का, कच्चे आम को कद्दूकस करके डाल सकते हैं यहाँ पर, या काट के बारीक काट के डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। लोहे की कढ़ाई और गुड़ के कारण जो कलर है वो थोड़ा सा करेले का चेंज हो गया, साथ ही साथ हमने इसमें
हल्दी भी ना के बराबर इस्तेमाल की है। अब करेले मैंने जो है बहुत ही अच्छे से एक बार खुली आंच में और आंच को बढ़ा करके फ्राई कर लिए हैं। हमारे दोस्तों करेले बनकर तैयार हैं। आपको कैसी लगी रेसिपी, लाइक एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा।